स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स कैमरा के बारे में। एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये कौन सा खेत की मूली है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेटफ्लिक्स क्यों इतना बड़ा डील है। तो आप ये समझिए, नेटफ्लिक्स आया बहुत धीरे से था। मतलब नेटफ्लिक्स का स्टार्टिंग में आइडिया ये था कि वो आपको डीवीडी जो है पार्सल करके आपके घर में देंगे और आपसे रिटर्न चार्जेस जो है वो लगेगा, लेकिन उसमें लेट फीस नहीं हो। मतलब समझिए डीवीडी रेंटल था। तो इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते वो लोग स्ट्रीमिंग में घुसे और स्ट्रीमिंग में बहुत स्टार्टिंग में बहुत मेहनत की है, तो ये बहुत बड़ा बन गया। मतलब देखते देखते लोग मतलब अपना केबल कनेक्शन कटवाने लगे कि भैया नेटफ्लिक्स से ही मेरा काम हो जा रहा है। और आजकल लोग इतना बिजी हैं कि मतलब बहुत लोग के पास टाइम नहीं है कि भैया बैठ के टीवी देखें। तो ये धीरे धीरे बहुत बड़ा असर आ गया। और नेट न्यूट्रलिटी जो आप सुनते हैं कि मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगा, वो इसी के चलते स्टार्ट हुआ, नेटफ्लिक्स के चलते। क्योंकि बहुत सारी अमेरिकन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज दे रही थी, लेकिन अनलिमिटेड बोल रही थी और था भी अनलिमिटेड, FUP नहीं था उसमें। लेकिन वो लोग ये मान के चल रहे थे कि लोग कंज्यूम नहीं कर सकते उतना डेटा। मतलब होता है कि नया नया फुल स्पीड आया इंटरनेट, एक दो बार कुछ बड़ा बड़ा डाउनलोड किया, बाद में क्या करेंगे। लेकिन नेटफ्लिक्स के चलते एक्चुअली उनका डेटा कंजम्पशन होने लगा। तो वही बात आया कि तब नेटफ्लिक्स को पता चला कि उनके सारे कस्टमर को शिकायत आ रहा है स्पीड स्लो है, तो पता चला कि वो लोग जबरदस्ती का थ्रॉटल कर रहे थे। समझिए नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा हो चुका है। और नेटफ्लिक्स पहले दिन से जब से आया था स्ट्रीमिंग में 4K को बहुत सीरियसली लिया। मतलब इसके स्टार्टिंग से ही 4K मजाक के तौर पे नहीं लिया था। और ये वो 4K नहीं है जो मतलब आप मोबाइल का 4K, ये मतलब टाइम लेके मेहनत करके 4K बनाए। इनको मतलब कम्पीट करना था HBO से, इनको कम्पीट करना था मतलब बड़े बड़े चैनल्स है फॉक्स से। तो बहुत तगड़ा मेहनत की है और इनके लिए क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि मतलब देखिए एक ही शॉट में सब लोग देख लेंगे, तो एक इसे कहा जाता है कि बड़ा पिक्चर दिखा रहे हैं। मतलब समझिए 3 घंटे की पिक्चर नॉर्मली होती है, तो ये आपको 7-8 घंटे की पिक्चर दिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा। और नेटफ्लिक्स लगभग अब पूरे प्लैनेट पे लॉन्च हो चुका है। सिर्फ आपको चाइना में नहीं मिलेगा और एक दो छोटे देश में नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स कोई हलवा नहीं है। और अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स का ये जो 4K है, 4K UHD यानी कि अल्ट्रा HD जो है, ये उन्होंने पहले दिन से जो अपने शो बनाए, क्योंकि अब देखिए आपको नेटफ्लिक्स में फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स तो फुल HD में भी नहीं शूट हुआ था ठीक से, क्योंकि जिस टाइम था उस टाइम वही टेक्नोलॉजी थी। लेकिन जब नेटफ्लिक्स खुद का TV शो बनाया, जो कि पहला बनाया था हाउस ऑफ कार्ड्स, ये अति भयानक TV शो था। मतलब जिस टाइम ये TV शो आया, नेटफ्लिक्स मतलब सीरियस हो गया। क्योंकि इससे पहले नेटफ्लिक्स से भी ये था कि हम दूसरे सबका मतलब TV शो खरीद के आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर नेटफ्लिक्स अपना पैसा डाला और इतना भयानक इस पर मतलब मेहनत किया गया था कि मतलब आपको देखेंगे लगेगा कि कोई पिक्चर देख रहा है। मतलब एक एक एपिसोड पे टाइम लेके खींचा गया था। तो उससे तुरंत लोगों को लगे नहीं नेटफ्लिक्स सीरियस है। मतलब समझिए नेटफ्लिक्स का ये हाउस ऑफ कार्ड्स इतना हाई लेवल का था, जहाँ पे HBO के इक्का दुक्का शो पहुँचते हैं उस लेवल पे इसको बनाया गया था। तो एकदम मजाक नहीं करते। और जब ये आपको 4K बोल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे कैमरा में शिकायत आता है कि 4K कहने को है लेकिन वो फुल HD ले रहा है, अपस्केल कर दे रहा है। बहुत सारे चाइनीज़ कैमरा ऐसा करते हैं। तो इनके लिए वैसा नहीं कि इनका विथ जो है मतलब कितना वाइड होना चाहिए, वो 3840 पिक्सल से मिनिमम होना चाहिए। मतलब उससे नीचे वो बात ही नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ में ये लोग रोक लगाए। तो मतलब हाउस ऑफ कार्ड जब शूट किया गया था वो रेड से शूट किया गया था। और इनका बिट रेट भी जो है, वो बिट रेट मतलब कितना मेगाबाइट्स पर सेकेंड चाहिए स्मॉल बी में, 240 से नीचे तक ये बात भी नहीं करेंगे। और आपको जनरली मतलब आपको डिजिटल कैमरा में ये बताया जाता है डेप्थ, कितना डेप्थ है, तो वो बिट्स में नापा जाता है। वो डेटा कंजम्पशन नहीं होता, जैसे 8 बिट का कैमरा हुआ, 10 बिट का हुआ, 12 बिट्स का हुआ। तो जनरली ये लोग कहते हैं अगर आपका लीनियर है तो कम से कम 16 चाहिए, और अगर आप कर्व वाला इस्तेमाल कर रहे हैं यानी S-Log, V-Log ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10 बिट तो मिनिमम चाहिए। तो सोनी का मतलब सारा मिररलेस आउट हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सब सेलेक्ट होते, एक ही मिररलेस है इसको जो सेलेक्ट कर चुका है। तो समझिए बहुत हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, ऐसा नहीं कि ये मेरा कैमरा है उसमें डेटा है, क्या उसका लॉग आउटपुट इतना अच्छा है तभी वो लेंगे। इसीलिए बहुत सारे कैमरा के पास वो सिलेक्शन है जो मतलब नेटफ्लिक्स डिमांड कर रहा है। मैंने नीचे नेटफ्लिक्स का पूरा डिटेल दे दिया है, मतलब नेटफ्लिक्स का ही मेन साइट है, लेकिन कैमरा रिजेक्ट हो जा रहा है क्योंकि उसका आउटपुट अच्छा नहीं लग रहा। और ये लोग रॉ से नीचे बात नहीं करेंगे। मतलब आप रॉ से नीचे दिए बोले निकल लो, निकल लो भैया, ये हमारे पास नहीं जाएगा। और हर कैमरा में मेटा डेटा के पीछे ये लोग बहुत सीरियस है। कैनन का C200 सीरीज के साथ झमेला हो गया था कि उसे अप्रूव नहीं किया गया था, और वो उसका मेन कारण था कि उसमें मेटा डेटा में साथ छेड़छाड़ होता, फर्मवेयर अपडेट के साथ फिक्स किया गया, या ऐसा 2-3 कैमरा के साथ हो चुका है कि मतलब टाइम डेटा सिंक करते हैं कि नहीं। इसीलिए जो आप SDI आउटपुट केबल देखते हैं वो होना चाहिए डबल है कि नहीं, टाइम डेटा किधर से इधर आ जा रहा है। तो बहुत सीरियसली ये अपना लेते हैं, ये YouTube जैसा नहीं लेते हैं, ये मतलब समझ रहे हैं कि कुछ भी बना रहे हैं वेब शो नहीं, ये एकदम सीरियस है और ये लड़ रहे हैं बड़े बड़े जायंट से। तो एकदम
मजाक नहीं ले रहे, इनका इक्विपमेंट एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए और दिख जाएगा। आप जैसे ही एक बार हाउस ऑफ कार्ड्स देखेंगे उसका इंट्रो, मतलब लगता है कि कोई बैठ के बनाया है इंट्रो। तो अब बात करते हैं कि क्या, ठीक है ये तो हो गया, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उस ऑप्शंस में क्या मतलब सिमिलैरिटीज हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी ढंग का सिनेमा कैमरा सारा जनरली अप्रूव हो जाता है, सिवाय इक्का दुक्का, जैसे केफिनिटी का कैमरा ये लोग टेस्ट नहीं किए हैं, या तो किए भी होंगे अप्रूव नहीं किए हैं। तो जैसे कैनन का C300 Mark II हो गया, C500 Mark II जो कि काफ़ी अच्छा है, फुल फ्रेम है, अच्छा पार हो गया, C700 हो गया, C500 Mark I, C700 Mark I, ये सब काफ़ी पास हो गया। फिर पैनाविजन का एक भयानक कैमरा है, DXL2, ये 8K का कैमरा है, बहुत पहले आया, मतलब ये पैनाविजन लेंसेस बनाता है, बहुत दादा चीज़ है, मतलब 100-150 साल से चल रहा है, तो वो सब है। फिर आरी, तो आरी तो आरी ही है, तो आरी Alexa 65, आरी Alexa मिनी LF, आरी Alexa LF, ये सब भी सिलेक्टेड है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मिररलेस है, पैनासोनिक SH-1, वो अप्रूव किया गया है इसके लिए। लेकिन ये बात ज़रूर समझिए कि जो मैं बोल रहा हूँ कि वो वीडियो क्वालिटी अप्रूव कर रहा है इसका, ये मतलब नहीं कि उसकी ऑटो फोकस है, ये सब किसी कैमरा में ऑटो फोकस जनरली नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो आप उसको घर के इस्तेमाल के लिए या नॉर्मल इस्तेमाल के लिए मत ले लें, जहाँ पर आपको, अगर आप मैनुअल फोकस कर लेते हैं तब ज़रूर खरीदिए, तब दिल खुश रहेगा, लेकिन अगर आपको मैनुअल फोकस नहीं करना है, आपको ऑटो फोकस चाहिए, तो पैनासोनिक से दूर रहें। तो ये बस जरूर सुनिए, और आप नेटफ्लिक्स का डिटेल पढ़िएगा, तो उसमें बोला जाएगा कि 10% आपको छूट दिया जाता है। तो 10% छूट का क्या मतलब, मान लीजिए आपने 40 मिनट का रिकॉर्डिंग या 1 घंटे का रिकॉर्डिंग बनाया, तो उसमें से आपको दे देंगे भैया 3 से 4 मिनट आपको जो डालना है डालो, ऐसा क्यों, मतलब जो डालना है ऐसा नहीं कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन वो ऐसा रहता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई एक्शन सीन शूट कर रहे थे और बीच में एक हाई स्पीड शॉट आ गया। अब हाई स्पीड के लिए आपको हाई स्पीड कैमरा चाहिए, हाई स्पीड कैमरा हो गया जैसे फैंटम हो गया, ये सब हाई स्पीड कैमरा हो गया, तो वो डालेंगे तो वो तो ये सब लिस्ट में नहीं आता है, लेकिन आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए नेटफ्लिक्स का है कि मतलब आपको 10% जो है वो उनको फ्रीडम दे देंगे। प्लस ऐसा नहीं कि आपको ड्रोन शॉट चाहिए, तो ऑब्वियसली ड्रोन पे कोई ये आरी Alexa 65 नहीं डालेगा, क्योंकि ये एक दो पीस बने हैं, मतलब ये सब रेंट किया जाता है, मतलब एंड गेम के लिए इसे इस्तेमाल किया गया था, एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के लिए रेंट किया गया था ये सब चीज़, मतलब इसका आपको प्राइस भी कहीं नहीं देखने को मिलने वाला। तो ऑब्वियसली ये सब कोई ड्रोन पर नहीं लगे, लेकिन उनका ड्रोन का भी लिस्ट है कि मतलब कुछ भी अटैरा नट्टू वगैरह लेके नहीं लगा लेना है। तो है मतलब 10% का थोड़ा सा फ्रीडम देते कि अंडर वाटर कैमरा हो, हाई स्पीड कैमरा हो, ये सब मामले में ऐसा ऑप्शन देते हैं। तो ये इनका मेन ऑप्शन है। अब बात करते हैं आपको क्या कहना चाहिए। मुझे काफी लोगों का कमेंट आया जो सुन के मेरा ब्रेन सुहा हो गया, वो ये था कि मुझे नेटफ्लिक्स से कैमरा लेना है। मतलब जो लोग नेटफ्लिक्स के आसपास भी जा सकते हैं या जिनके पास इतनी पहुंच है कि नेटफ्लिक्स का पार्टनरशिप प्रोग्राम में स्टार्ट हो, उनके बाद डिस्कशन हो, वो नहीं पूछेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स खुद आपको एक असाइन करेगा पार्टनरशिप मेंबर, जो आपका सारा ये टेक्निकल डेटा चेक करेगा, आपको हेल्प करेगा कि भैया ये करो, ये नहीं करोगे तो वो है। और अगर मान लीजिए किसी कारण से आपको कुछ यूनिक चाहिए, जैसे कि एमॉर्फिक लेंसेस लोग इस्तेमाल करते हैं जो अल्ट्रा वाइड हो जाता है, तो वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी नेटफ्लिक्स अपने उस पर देगा। ये सब ये बात ज़रूर समझिए, ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। नेटफ्लिक्स आपका शो खरीद सकता है, जैसे मान लीजिए धर्म क्षेत्र जो है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, बहुत अच्छा शो है, सिर्फ कुछ ही एपिसोड है, बल्ले बल्ले है, खासकर कर्ण का जो उसमें था वो भयानक था। तो ऑब्वियसली वो इंडियन टीवी शो के लिए बना, आपको देख के समझ में आएगी क्वालिटी काफ़ी हल्की है, लेकिन नेटफ्लिक्स तब भी खरीद रहा है। तो नेटफ्लिक्स खरीद कुछ भी सकता है, लेकिन जब वो अपना स्टैम्प डालेगा कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, तब वो एक एक चीज़ में पड़ जाता है कि नहीं हमको देना है तो इससे नीचे नहीं देना है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप पूछ रहे हैं कि नेटफ्लिक्स के लिए मैं कैसे करूं, तो आप नहीं हैं उस ऊंचाई पे, आप उस ऊंचाई पर रहेंगे नेटफ्लिक्स, आपको बस फ़ोन उठाना होगा अपने कस्टमर को, भैया की एजेंट को बोलो कि भैया, तो तुरंत तुरंत नेटफ्लिक्स आ जाएगा। तो समझ लीजिए कि आप पूछ रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप मान लीजिए कैमरा का रेंटल हाउस चलाते हैं और वहाँ पे आप लोगों का रेंटल होता है, तो वहाँ पे इस पे इन्वेस्ट करना के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई आ रहा है नया बंदा है और उसको मान लीजिए पहुँच हो गया, तुरंत तुरंत उसको भैया कैमरा तुरंत रेंट करो, तुरंत बनाना है, आपके पास रहेगा सारा सारा कैमरा, नेटफ्लिक्स अप्रूव रहेगा। और ये आप अपना सेलिंग पॉइंट भी रख सकते हैं कि हाँ, हम जो जो कैमरा देते हैं रेंट पे वो सारे नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है। तो ये समझिए, और जैसे मान लीजिए आप अभी स्टार्ट किए, अभी आप मतलब रीजनल पिक्चर्स कर रहे हैं, लेकिन आगे आप भविष्य में जाना चाहते हैं, तो अच्छे इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना आपको लंबे टाइम तक शांति देगा। और आप बोलोगे क्या होगा अगर कल 8K पे चले गया, ये बात ज़रूर समझिए कि जो जंप होता है रेजोल्यूशन में, वो डिमिनिशिंग रिटर्न देने लगता है, यानी कि 480p जो मतलब स्टार्टिंग का टीवी था, उससे फुल एचडी में बहुत बड़ा अंतर था, मतलब जमीन आसमान का अंतर आता, लेकिन फुल एचडी से 4K में वो अंतर थोड़ा सा घट गया। मतलब आप फुल एचडी अच्छे से अच्छे लोग को भी हजम हो जाता है, 4K ठीक, अब 4K से 8K में अंतर लगभग ना के बराबर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब पूरा पाइपलाइन जो इतना हो जाता है, इतना फिडेलिटी बढ़ा देता है कि ख़राब रहने लगता है, जैसे इमेज जो है ना थोड़ी सी
चुभने टाइप लगने लगती है, तो बहुत लोगों को होता है कि भैया ना। और ये आप देखेंगे कि लेंस के साथ भी ऐसे कहा जाता है कि लेंस जरूरत से ज़्यादा शार्प है तो लोग उसके ऊपर एक फिल्टर लगाते हैं जो उसको डम डाउन कर देता है ताकि थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट लगे, क्योंकि हर चेहरा का एक एक दाना फुंसी नहीं देखना है किसी को, तो होता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होने वाला कि जैसे मान लीजिए आपने आज 4K ले लिया, कल को 8K पीछे सब उछलने लगे, कोई आपका टेंशन नहीं, क्योंकि 4K को आराम से 8K में पॉलिश किया जा सकता है और इनका मिनिमम रिक्वायरमेंट 4K है, तो 4K आपका ढंग से है आराम से चलेगा। तो वो टेंशन मत लीजिए कि अरे हम 4K ले लेंगे, कल को हमको नेटफ्लिक्स का इनकम मिल जाता है मान लीजिए तब मेरा ये कैमरा रिजेक्ट होगा, नहीं होगा, आराम से चलता रहेगा। और आप ये समझिए कि नेटफ्लिक्स कोई भी ये मजाक नहीं है, और इनका एक एक चीज़ आप टाइम लेके किया गया है, और आप आराम से देख सकते हैं कि अमेजॉन प्राइम के शोज़ और इनके शोज़ के अंदर बहुत अंतर है। अमेजॉन प्राइम के कुछ कुछ शो भयानक है, कुछ कुछ शो लगता है कि हाँ टाइम लेके पैसा डाला गया है, लेकिन कुछ कुछ शो में लगता है कि सीरियसली ब्रो, सीरियसली मतलब लगता है किसी को भी कैमरा पकड़ा दिया जाओ भाई, खींचो कुछ भी कर लो। तो नेटफ्लिक्स जो है अपने ओरिजिनल्स पे पाइपलाइन पे बहुत मेहनत करता है। पाइपलाइन का मतलब इसमें स्लेट जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो स्लेट में किस तरह की सिंकिंग हो रही है, मतलब आप उनको जो आप वीडियो एडिटिंग उनसे नहीं करवाएंगे, लेकिन उनके पास जो फाइल जाएगा बैकअप के तौर पे या डेली अप्रूवल के तौर पे सब जाता है, वो सब में भी चेकिंग करते रहेंगे कि भैया मेटा डेटा है कि नहीं। तो जो भी नेटफ्लिक्स की बिहाइंड द सीन होती है, मतलब कि कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसको कभी भी आप मत सोचिए कि बस अरे एक इंटरनेट पर देना, नहीं, पूरा सीरियस है। आपको तो कुछ टीवी शोज़ में, मतलब खास करके इंडियन टीवी शोज़ में तो आप आराम से जा सकते हैं, इसका आधा मेहनत में आप पहुंच सकते हैं और देख के ही समझ में आ जाएगा। मैंने आपको इसलिए बोल रहा हूँ धर्मक्षेत्र देखिए, बहुत अच्छा टीवी शो है, लेकिन आपको उसका विजुअल क्वालिटी तक के समझ में आ जाएगा, कैमरा बहुत हल्का इस्तेमाल किया गया था या उसकी सेटिंग अच्छे से नहीं की, तो वो तो दुख भरी बात हो जाएगी कि अगर वैसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको पूछना पड़ रहा है कि भैया ये नेटफ्लिक्स में इस्तेमाल होगा कि नहीं, यानी आप नेटफ्लिक्स के लेवल पे नहीं हो। दूसरा, अगर आप कैमरा की रेंटिंग बिजनेस चला रहे हो कि मैं कैमरा खरीदता हूँ रेंट के लिए देता हूँ, काफ़ी लोग करते हैं, मोरे मुंबई में तो आधे लोगों का बिजनेस यही है, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये सब कैमरा खरीदने से आपका काफ़ी फायदा होगा। और आप मान लीजिए अपना करना चाहते हैं कि भैया मेरे को रेंट का फचियत नहीं लेना, मेरे को एक्चुअली लेके थोड़ा लंबे टाइम तक शांति रहना है, तो मेरे हिसाब से कैनन C500 Mark II काफ़ी अच्छा है। और पाइपलाइन सोच के चलिए, ये प्रोडक्शन है, ये लोग सीरियसली लेते हैं, और इसमें आपको मतलब काफ़ी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त डेटा इधर से उधर होना चाहिए, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। नेटफ्लिक्स देख के बस कूद मत जाइए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड का क्या मतलब होता है, क्या उसका फजीयत है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने हुआ है, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक दो बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।